हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल इंटेलेक्चुअल ट्रीटिस पे। जी हाँ दोस्तों, आपने जो थंबनेल में पढ़ा, आज हम इस वीडियो में उसी टॉपिक पे बात करेंगे, टिश्यू पेपर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के सच्चाई के बारे में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हमारे ये वीडियो बनाने का ये मकसद बिल्कुल भी नहीं है कि आप टिश्यू पेपर मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस स्टार्ट ही ना करें। हम तो बस यही चाहते हैं कि बिजनेस स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ रियलिटीज का पता चल जाए, ताकि आपकी इन्वेस्टमेंट बेकार ना जाए। तो दोस्तों, कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने से पहले ये पांच चीजें बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है। फर्स्ट, मार्केट डिमांड। सेकेंड, मशीन्स। थर्ड, रॉ मटेरियल। फोर्थ, एरिया रिक्वायर्ड। एंड फिफ्थ, पावर रिक्वायर्ड। अगर हम टिश्यू पेपर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की बात करें तो टिश्यू पेपर का बहुत ही ज्यादा अच्छा मार्केट डिमांड है। रेस्टोरेंट, ऑफिस, होटल, इन जगहों पे टिश्यू पेपर का बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल होता है। और अगर मशीन्स की बात करें तो दो टाइप की मशीन टिश्यू पेपर मैन्युफैक्चरिंग के लिए इस्तेमाल की जाती है। पहली सेमी ऑटोमेटिक मशीन और दूसरी फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन। ये दोनों मशीनें आपको सिंगल कलर प्रिंटर या फिर डबल कलर प्रिंटर के साथ मिल जाएंगी। अभी तक आपको ये लग रहा होगा कि सब कुछ तो ठीक है, तो फिर प्रॉब्लम कहाँ है? दोस्तों, बिजनेस स्टार्ट करने से पहले हम सभी को ये लगता है कि सबसे बड़ी चीज मशीन होती है। एक बार अगर हमने मशीन ले ली तो फिर बिजनेस में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन दोस्तों, बिजनेस का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है रॉ मटेरियल, और इसी बात का एनालिसिस हम लोग नहीं कर पाते। आपको हर कोई ये तो बता देगा कि टिश्यू पेपर मैन्युफैक्चरिंग के लिए दो टाइप का रॉ मटेरियल लगता है, जिसमें एक होता है हार्ड पेपर और दूसरा होता है सॉफ्ट पेपर। हार्ड पेपर करीबन 60 रुपए किलो के करीब मिलता है और सॉफ्ट पेपर करीबन 60 से 70 रुपए के करीब मिलता है। लेकिन ये बात आपको कोई नहीं बताएगा जो बात हम आज आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। दोस्तों, जो टिश्यू पेपर मैन्युफैक्चरिंग का रॉ मटेरियल होता है, हम सभी को मालूम है कि वो कितना नाजुक होता है। तो दोस्तों, आप जरा एक बात सोचिए कि हम जब इतने नाजुक रॉ मटेरियल से कोई प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, तो ऐसा तो कभी नहीं होगा कि जितने का रॉ मटेरियल आप लेके आओगे उतने का ही प्रोडक्ट बनेगा। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, अगर आप 100 किलो का रॉ मटेरियल लेके आते हो तो कम से कम 5% तो आपका रॉ मटेरियल वेस्ट होने ही होने वाला। आप जिस भी मशीन पे टिश्यू पेपर का मैन्युफैक्चरिंग करोगे, उस मशीन पे रॉ मटेरियल फट सकता है, खराब हो सकता है। और 5% तो दोस्तों हम आपको बहुत ही कम बता रहे हैं। टिश्यू पेपर का पेपर इतना नाजुक होता है कि प्रोडक्ट बनते बनते इसमें ज़्यादा वेस्टेज होगा। तो हम जब प्रोडक्शन कॉस्ट निकालते हैं, तब इस वेस्टेज को कभी पकड़ते ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका रॉ मटेरियल 60 रुपये किलो है और आपकी मशीन 8 घंटे चलती है, तो 3 यूनिट पर आर के हिसाब से आपको दिन भरे में 24 यूनिट की बिजली लग जाएंगी। और आपने अगर 2 लेबर भी रखे तो उनकी सैलरी आपको अलग से लगेंगी। और अगर आप ये प्रोजेक्ट रेंट की जगह पे स्टार्ट करते हो तो रेंट आपको अलग से देना होगा। तो अब इतने सारे खर्चे ऐड हो जाएंगे आपके मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में। तो इतने सारे खर्चों के बाद अगर आपका रॉ मटेरियल वेस्ट होगा, तो जितना भी किलो आपका रॉ मटेरियल वेस्ट होगा, आपका उतना किलो का डायरेक्ट लॉस पहले ही हो जाएगा। तो हमारा यही कहना है कि आपको जब भी ये बिजनेस स्टार्ट करना हो, तो एनालिसिस में रॉ मटेरियल की वेस्टेज हमेशा कैलकुलेट करो। और हाँ दोस्तों, ऐसा हो सकता है कि रॉ मटेरियल का जितना वेस्टेज हम आपको बता रहे हैं, आपका रॉ मटेरियल उससे थोड़ा ज़्यादा वेस्ट हो सकता है। इसलिए आप ज़्यादा वेस्टेज के हिसाब से ही अपना एनालिसिस ऐड करें। और एक बात दोस्तों, आपको जब भी रॉ मटेरियल परचेज करना होगा, तो आप ऐसा कभी भी मत करना कि एकदम से पूरी क्वांटिटी में लेके आ गए। आप पहले अलग अलग कंपनी के सैंपल देख सकते हो, फिर स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा ही रॉ मटेरियल खरीद के लाना है। आप जब थोड़ा सा रॉ मटेरियल खरीद के लाओगे, तो ये हो सकता है कि आपको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ज़्यादा लग जाए। लेकिन स्टार्टिंग में उतना ज़्यादा खर्चा होने दो ट्रांसपोर्टेशन का। एक बार जब आपको रॉ मटेरियल अच्छा लगता है कोई भी कंपनी का, तब आप बड़ी क्वांटिटी में ऑर्डर दे सकते हो रॉ मटेरियल के लिए। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस बिजनेस की लोकेशन कहाँ होनी चाहिए। वैसे तो आप ये बिजनेस शहरी और ग्रामीण दोनों इलाकों में शुरू कर सकते हो, लेकिन कुछ लोग आपको ये बताएंगे कि अगर आप ये बिजनेस ग्रामीण इलाकों में शुरू करते हो तो आपका प्रोडक्शन कॉस्ट कम आएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है दोस्तों। अगर आप ये बिजनेस ग्रामीण इलाकों में भी शुरू करोगे, तो आपका प्रोडक्शन कॉस्ट लगभग उतना ही आएगा जितना शहरों में आता है। अगर ग्रामीण में आपको थोड़े सस्ते मजदूर मिल भी गए, तो भी दोस्तों इस प्रोडक्ट का मार्केट ग्रामीण इलाकों में नहीं है। आपको प्रोडक्ट बेचने के लिए शहरों में ही लाना होगा। इसमें आपका ट्रांसपोर्टेशन का एक्स्ट्रा कॉस्ट ऐड हो जाएगा।
तो दोस्तों हम आपको इस वीडियो में यही बताना चाहते हैं कि अगर आपको कोई बिजनेस स्टार्ट करना है तो आपको उसके लिए बहुत ज़्यादा स्टडी करनी पड़ेगी। आपने ऐसा नहीं करना चाहिए कि कुछ वीडियो देख लिया और बिजनेस स्टार्ट कर दिया। आपको पूरा एनालिसिस करना पड़ेगा कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने से पहले। हमने इस वीडियो में आपको जो बातें बताई है रॉ मटेरियल के बारे में और उसके वेस्टेज के बारे में, बिजनेस कोई भी हो आपको वो रूल अप्लाई करना, हमेशा रॉ मटेरियल के वेस्टेज को ऐड करके चलो। तो चलिए दोस्तों, आशा करते हैं कि हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और अगर आप इसी की तरह बिजनेस रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक कर सकते हो और शेयर कर सकते हो।